बसपा प्रमुख मायावती ने बुधवार को कहा कि देश की सीमाएं अभी तक सुरक्षित नहीं है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वे चुनावी मकसद से जवानों के बलिदान का इस्तेमाल कर रही है। मायावती ने एक चुनावी जनसभा में कहा, भाजपा सरकार के कार्यकाल में देश की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, परिणाम स्वरूप आतंकी हमले हो रहे हैं और जवान शहीद हो रहे हैं। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वह इसका उपयोग चुनावी उद्देश्य से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी कांग्रेस सरकार की तरह भाजपा सरकार सीबीआई प्रयत्न निदेशालय और आयकर विभाग का राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कर रही है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि ऐसे हालात में मतदाताओं को देखा होगा कि ना तो भाजपा और ना ही कांग्रेस केंद्र की सत्ता में आने पाए। मायावती ने दावा किया कि भाजपा अपनी पूंजीवादी, आरएसएसवादी, जातिवादी और गलत नीतियों के कारण इन चुनावों में सत्ता से बेदखल हो जाएगी। ड्रामेबाजी और जुमलेबाजी से कोई मदद नहीं मिलेगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।